अस्सलाम वालेकुम, एक नए दिन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महक शाहिद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, क्विटा ग्लैडिएटर्स सीएम बलूचिस्तान वुमेन T20 लीग का 10वां मैच यहाँ पर अख्ताम पज़ीर हुआ है। एक अच्छा मैच हमने देखा, सनसी खेज मैच था। लास्ट बॉल तक सनसी खेज रहा, जिस तरह से हमने देखा दोनों टीमें खेलती हुई नज़र आई, आखिरी बॉल तक लड़ती हुई नज़र आई। आज मैच खेला गया सिंध और केपी स्टार्स के दरमियान। दोनों टीमों ने लास्ट बॉल तक फाइट की और लास्ट में यह मैच बराबरी के साथ अख्ताम पज़ीर हुआ। बात कर लेते हैं टॉस की। टॉस जीता केपी स्टार्स की। कैप्टन ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। सिंध की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 89 रन बनाए, 90 रन का टारगेट दिया। ऐसे लग रहा था कि केपी स्टार्स की टीम ये टारगेट आसानी के साथ चेस करेगी, लेकिन दूसरी जानब सिंध के बॉलर्स ने टफ टाइम दिया केपी स्टार्स के बैट्समैनों को। प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड तुबा हसन को मिला, जिन्होंने आज के मैच में 4 विकेटें ली और एक अच्छी बॉलिंग की, जिसकी वजह से सिंध की टीम 89 रन बना सकी। और तुबा हसन से हमने जब गुफ्तगू की तो तुबा हसन का कहना था कि उनको यहाँ क्विटा में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जिस तरह से एटमोसफेयर है, जिस तरह से यहाँ की पिचेस है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और उनका कहना था कि हमारी टीम थ्रू आउट टूर्नामेंट में अच्छा खेलती हुई नज़र आई है। हम फाइनल में अपने मद्दे मुकाबले बलूचिस्तान टीम को टफ टाइम देंगे और फाइनल मैच जीतने की कोशिश करेंगे। आज टू बी वेरी ऑनेस्ट कि आज दोनों टीम्स जो खेल रही हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, जो आज एक गेम प्ले हुई है, मतलब एक अमेजिंग गेम प्ले हुई T20 के लिहाज से, कि बहुत मज़ा आया। एंड टाइम तक मैच का कुछ नहीं पता था कि इधर है या इधर है। सो आज का कोई विनर नहीं है, लेकिन खुशी है कि ऐसी गर्ल्स क्रिकेट में हमें ये देखने को मिला और ऐसे अच्छा माहौल दोनों साइड से। फर्स्ट टाइम ये हम लोग सबके लिए था कि हम लोग फर्स्ट टाइम बलूचिस्तान में आके खेलें, और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट हम लोगों को दिया गया है एक गर्ल्स क्रिकेट के हवाले से। और यहाँ पे हवा कुछ ज़्यादा है, क्योंकि हम डिफरेंट जगह पे जो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा हवा नहीं होती। तो अब एक अच्छा कह लें कि आगे हमारे लिए है कि हमें यहाँ से और सीखने को मिला, कि हमारे लिए ये भी एक लर्निंग प्रोसेस था कि इतनी हवा में भी हम लोग खेल सकें। दूसरी जानब आज के मैच के मेहमान खसूसियत तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत याकर शाहवानी का गुफ्तगू करते हुए कहना था। देखिए, ये जो इवेंट है T20 वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट, ये पाकिस्तान की तारीख में पहला अपनी नौयत का ये पहला इवेंट है, और वो क्विटा बलूचिस्तान में मनक़द हो रहा है। और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का ये विजन है, वो स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स मैन को प्रमोट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स वुमेन को प्रमोट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स को, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को, स्पोर्ट्स फुटबॉल ग्राउंड्स को, और यूथ को प्रमोट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं। और यही एक तसलसल है उस विजन के तहत कि ये इवेंट यहाँ मुनक्किद हुआ, और ये सिलसिला शुरू हुआ है 3 साल कबल। और इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स हुए, क्रिकेट, फुटबॉल, मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग, बहुत सारे दीगर स्क्वाश लीग हमने कराया। इसी के साथ यहाँ पर आज का दिन भी अख्ताम पज़ीर हुआ है। अब आपसे फाइनल वाले दिन मुलाकात होगी। फाइनल वाले दिन खेला जाएगा केपी स्टार्स और बलूचिस्तान के दरमियान मैच। बलूचिस्तान की तारीख में एक अच्छा दिन होने वाला है, जब इस ग्राउंड में क्विटा ग्लैडिएटर सीएम बलूचिस्तान वुमेन T20 लीग का फाइनल मैच खेला जाएगा। यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम भी कर दिए गए हैं, और इसके साथ साथ फाइनल वाले दिन फैमिलीज़ को भी अलाउ किया गया है। फैमिलीज आएंगी और आकर यहाँ पर फाइनल मैच देखेगी। और अब मैं यहाँ से इजाज़त चाहूँगी। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी फाइनल वाले दिन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।